ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में बड़ा हादसा हुआ। बिसरक कोतवाली क्षेत्र के गांव साबेरी में मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे दो इमारतें धराशायी हो गईं। यह मामला कल रात का है, जब एक 6 मंजिल इमारत ताश के पत्ते की तरह अपने पास में बनी दूसरी बिल्डिंग पर जा गिरी, जिससे दोनों इमारतें जमींदोज हो गईं। बताया जा रहा है कि दोनों इमारतों में रह रहे 12 परिवारों के दबे होने की आशंका है। साथ ही दूसरी बिल्डिंग में नीचे कुछ मजदूर भी रह रहे थे, जिससे उनके दबे होने की भी आशंका है। अभी तक 3 शव निकाल लिए गए हैं। वहीं बिल्डिंग का मालिक घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना के बाद ये बात सामने निकल कर आई है कि इस मकान के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया और साथ ही इसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया और सभी नियमों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और हर संभव मदद व दोषियों पर कार्यवाही करने को कहा है। वहीं घटनास्थल पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी पहुंचे। अभी घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम भी बचाव कार्य में जुटी हुई है, साथ ही गाजियाबाद व बुलंदशहर की रेस्क्यू टीम भी लगी है। पुलिस के मुताबिक दोनों इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थीं। एक इमारत तो पूर्ण हो गई थी, जबकि एक में कुछ काम चल रहा था। इनमें 12 परिवार रहने लगे थे। रात करीब 9:30 बजे अचानक दोनों निर्माणाधीन इमारतें भरभरा कर गिर गईं। इसके कारण उनके अंदर रह रहे 12 परिवारों के सदस्य मलबे में दब गए। इमारतों के धराशायी होते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को फोन किया। बिसरक समेत करीब 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। परवीन जी, यहाँ बिल्डिंग गिरी है, कितनी बिल्डिंग गिरी है? ये 7वीं मंजिल बता रहे हैं। एक तो पूरी कंप्लीट पोजीशन हो चुकी है, 18 फैमिली रह रही है उसमें, और एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। इसमें अभी तक जितने भी पुलिस वाले आए हैं सिर्फ देख रहे हैं। अभी तक ना एम्बुलेंस यहाँ पे आई है, कोई कुछ भी नहीं आई है। यहाँ की रोडे सही नहीं है, जो किसी को प्रॉपर लोकेशन बता के एम्बुलेंस या किसी भी आदमी को यहाँ पर बुला सके। ये हाल है यहाँ का। यहाँ के बिल्डर क्या है, बिल्डिंग बेच रहे हैं, छोटे से छोटे बिल्डर बने पड़े हुए हैं। 100-100 गज की बिल्डिंग है, 7-7, 8-8 मंजिल, कोई अप्रूवल की, कोई किसी को कोई अप्रूवल ना ले रखी है ना कुछ कर रखा है। ये हाल है यहाँ के बिल्डिंगों का। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 2 घंटे हो गए, अभी तक बस पुलिस वाले इधर से उधर देख रहे हैं। रास्ता ही तो नहीं सही है, कैसे ये हाल है यहाँ का। ऋषभ जी, यहाँ बिल्डिंग गिरी है, कितनी बिल्डिंग गिरी है और कुछ फैमिली भी रह रही थी इसके अंदर? हाँ, यहाँ पे 2 बिल्डिंग गिरी है, एक तो जो बन रही थी वो गिरी है, दूसरी बिल्डिंग और गिरी है। इसमें 6 मंजिला है, सुनने में यार है उसमें 18 फैमिली रह रही थी। तो 18 फैमिली में अभी तो फिलहाल किसी का कुछ पता नहीं चल रहा उसमें। अच्छा, अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि कितने घायल हैं कितने नहीं घायल हैं? अभी तक तो कोई आया नहीं है। भैया 1.5 घंटे हो गए।